आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन स्पिल किट को इस्तेमाल करने पर है। स्पिल किट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और स्पिल किट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, स्पिल किट एक्चुअली आप उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर भी आपका हैजेडियस या नॉन हैजेडियस मटेरियल स्पिल कर जाए। स्पिल करने से क्या मुराद होता है कि वो फ्लोर पर या किसी भी वर्क प्लेस पर जहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर अनवांटेड मटेरियल या हैजेडियस केमिकल या नॉन हैजेडियस केमिकल स्पिल कर जाता है। तो ये हमारे फायर पंप के ऊपर पेंट वर्क चल रहा था, ई पेंट वर्क चल रहा था और वहाँ पर जो हम पेंट और थिनर यूज़ कर रहे थे तो वो फ्लोर पर स्पिल हो गया और जो फायर पंप अटेंडेंट है उसने इमीडिएटली ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर पेंट स्पिल हुआ है। तो अब हम पेंट स्पिल को स्पिल किट के जरिए उसको हम कैसे पैकअप करेंगे, उस एरिया को कैसे रिमूव करेंगे, उसके ऊपर हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और इस डेमोन्स्ट्रेशन में मुझे असिस्ट करेंगे मिस्टर औरंगजेब खान साहब, ये हमारे असिस्टेंट फायर सुपरवाइजर। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो किसी भी स्पिल किट लोकेशन पर जाते हैं सबसे पहले आपको एक टूल स्टेजिंग एरिया बनाना है। आप सर थोड़ा सा आगे हैं, मैं आपको टूल स्टेजिंग एरिया की चीज़ें दिखा देता हूँ। आपके पास वेरिफिकेशन टेप होनी चाहिए, आपके पास गमबूट होने चाहिए, आपके पास स्पिल किट होनी चाहिए, आपके पास एक एम्प्टी बकेट होना चाहिए और ये जो दूसरी बकेट है मेरे पास, इसमें आप जरा आगे आगे दिखाएं तो ये मेरे पास सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट एक्चुअली लकड़ी का बुरादा होता है तो हम उसे एज अ सेकेंड कंटेमिनेशन टूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये पेंट का टेन है, ये स्पिल हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। टूल स्टेजिंग एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला जो आप एक्टिविटी करते हैं वो आप उस एरिया को बॉर्डर मार्क करते हैं। तो अलग से आप इसको डेडिकेट करते हैं इस एरिया को। आप मुझे गमबूट दे दें। अच्छा, आपने जो आपने सेफ्टी शूज पहने हुए हैं, अगर आपने ट्रेनर्स पहने हुए हैं, एक्चुअली तो ट्रेनर्स होने नहीं चाहिए लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन है तो आपने सबसे पहले गमबूट पहने हैं, रबर शूज जिन्हें आप कहते हैं, आपने सबसे पहले रबर शूज पहने हैं। तो औरंगजेब, आप स्पिल किट खोलें और उसमें से मुझे पीपीज दे दें। अच्छा, स्पिल किट के अंदर आपके पास पीपीज आते हैं, आप थोड़ा आगे आगे दिखाएं। अभी आप देख लें कि जब हमने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है तो इसमें जो बंदा पीपीज के साथ नहीं है वो इस कॉर्डन ऑफ एरिया में या इंसिडेंट लोकेशन के ऊपर वो एक्टिविटी नहीं करेगा। अब आप मुझे पीपीज निकाल के दे दें, ग्लव्स दे दें, रिस्पिरेटर दे दें मुझे, रुको। अच्छा, अब आप मुझे रिस्पिरेटर दे दें। अच्छा, रिस्पिरेटर का पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो हैजेडियस आपका स्पिल हो या नॉन हैजेडियस स्पिल हो आपका। तो और आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ब्रीथिंग में सांस लेने में कोई डिफिकल्टी ना हो। कोई भी ऐसे फ्यूम्स हैं जो इनोवेशन करने के बाद आपको सफोकेशन या किसी भी मेडिकल कंडीशन का आपको शिकार बना सकता है, तो उससे आपको अवॉइड करना है। और मुझे गॉगल्स दे दी। अच्छा, आपने गॉगल्स भी पहने, अब हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना आ रही हो, बस लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश करूँगा, आप मुझे ब्लड दे दें। अच्छा, ग्लव्स मैंने बाद में इसलिए पहने हैं कि अगर आप ग्लव्स पहले पहन लेंगे तो आपको फेस रिस्पिरेटर करने में प्रॉब्लम होगी। अब आप मुझे एंटी बकेट दे दें, या पानी वाली बकेट आप मुझे दे दें। अच्छा, अब आप थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। ओके, जो भी स्पिल कंटेनर्स हैं आपको निकालेंगे और आप उसको एंटी बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे ताकि वो दोबारा ना गिरे और फिर इसको आप साइड से मूव कर देंगे और बैरिकेटेड एरिया से बाहर कर देंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसका मतलब ये है, अब ये जो मटीरियल स्किन हुआ है ये यहाँ से और ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाता है। अब हम इसको सारे को मिटन करने के लिए इसको इस तरह चमक रखा है। अच्छा, ये रखने की बात, अब आप जो एब्जॉर्बिंग पैड्स हैं, अच्छा, ये वेरिफिकेशन रखने के बाद अब आप मुझे पेपर दे दें, ठीक है। अच्छा, अब आप वो जो रखना है और ये एब्जॉर्बिंग पैड्स हैं उनको आप रख देते हैं इसके ऊपर ताकि जितने भी स्किन मटीरियल है उसको ये पैड्स एब्जॉर्ब कर लें। अब आप इसको अगर थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं तो ये
ये एब्जॉर्ब बैड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और ये जितना भी केमिकल अपना फ्लोर पे था उसे ये पैड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन पैड ने तमाम केमिकल अब्जॉर्ब कर लिया तो अब आप मुझे कंटेमिनेशन बैग दे दें। अच्छा, ये आपके पास एक एंटी कंटेमिनेशन बैग होना चाहिए और फिर उसके बाद आप तमाम पैड को वन बाई वन उस कंटेमिनेशन बैग लगा लेंगे। आपको और आगे से आगे अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ और ट्रेनिंग पर्पज है ताकि वीडियो का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जैसे कि आपके पैड इसको अब्जॉर्ब कर लेते तो फिर आप इसको कंटेमिनेशन बैग में डाल देते और कंटेमिनेशन बैग में डालने के बाद आप इसको सील से बंद कर देते। आप उनको सबसे पहले रिमूव कर देंगे और ज़्यादा गर्मी इसके लिए डालनी होंगे जैसे कि आपके पास गलती वास्तविक होनी चाहिए। अच्छा, अब ये वो सिचुएशन है कि आपके पास स्किल की अवेलेबल नहीं है तो अब आप उससे मेरे में क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको टूरिस्ट की वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास 100 डस्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 100 डस्ट को आप इसी तरह इस केमिकल के ऊपर चला दीजिए। इसे 100 डस्ट भी कहा जाता है, इसको ग्लूकोरल भी कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा केमिकल एब्जॉर्प्शन है। इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करना है कि जब तक ये केमिकल वाइप ऑफ ना हो जाए आप कॉटन ऑफ एरिया को रिमूव नहीं करेंगे। एरिया कॉटन ऑफ ही रहेगा ताकि जो वहाँ पर वर्कर्स हैं जो दो किलोमीटर वहाँ से आना जाना है वो वहाँ पर इंटरफेयर ना कर सकें और इंटरफेयर। अच्छा, अब आपने ये ले लेना है एंटी बास्केट ले लेंगे, ब्रश ले लेंगे और शवल ले लेना है। अच्छा, अगर आपके पास छोटा हैंड टूल हो जिसे आप ब्रश कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, अब आप कैसे ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल इसने सारे फॉलो कर लिए तो अब आप इसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद जो भी आपका सॉल्व डस्ट है उसे आप दिन में खाली करना है। अच्छा, ट्रेनिंग सेशन में हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई हों क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे इन अ शॉर्ट टाइम कि हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करें और बेसिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉमेंट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।